हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एटीट्यूड। ये जो है एक नई लेक्चर सीरीज जो है मैंने जो है काफी स्टूडेंट्स की जो है रिक्वेस्ट के ऊपर शुरू की है। जनरल साइंस के मैं स्टडी नोट्स आप तक जो है लेके आया हूँ। इसमें आप ध्यान रखें, जो जनरल साइंस जो है हमारा 6 2+2 एनसीईआरटी से ही जनरली पूछा जाता है, और ये जो हम जनरली जो है 6 2+2 की जो एनसीईआरटी में जो जनरल साइंस दिया हुआ है उसको कवर करेंगे, और यहाँ से डायरेक्टली आप क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में देखेंगे। लेकिन आपके माइंड में ये चीजें ऐसी होनी चाहिए कि इसमें जो है आपने एक रफली जो है इसको जो है पढ़ना है, और आपके माइंड में ये चीजें होनी चाहिए, बिकॉज इस पोर्शन से आपको किसी भी मेंस एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। चाहे आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नायब तहसीलदार हो, चाहे रेंज ऑफिसर्स हो, या ACF की एग्जामिनेशन हो, तो जो भी मेन एग्जामिनेशन हमारी होती है उसमें इस पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन जो जनरल साइंस जो जीएस पेपर 3 में आपको आएंगे, वो जो करंट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारी न्यूज में होती है, या इसरो के जो मिशन होते हैं हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर हमें जनरली लिखने को मेंस में आता है। तो ये जो आपने जनरली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो तैयार करना है, लेकिन प्रीलिम्स में आप यहाँ से जो है हर टेस्ट में जो है 10 से 15 क्वेश्चन जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज है। तो शुरू करते हैं स्टडी नोट्स ऑन जनरल साइंस। देखिए, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। मैंने 2 टाइम्स जो है एचपीएस मेंस एग्जामिनेशन दी हुई है, 3 बार मैंने एनडीए एग्जामिनेशन क्लियर किया है, 3 टाइम्स मैंने सीडीएस एग्जामिनेशन भी क्लियर किया है, और भी बहुत से स्टेट लेवल एग्जामिनेशन मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो मेरा ये मानना है कि हम जो स्टडी करते हैं वो जो है एक स्मार्ट बेस्ड अप्रोच हमारी होनी चाहिए। अगर आप जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, आपको कोई इसके लिए एडवांस बुक लेने की जरूरत नहीं है। जनरल साइंस के लिए आप अगर 6 2+2 अगर एनसीईआरटी पढ़ें तो यहीं से ही 99% आता है। तो अपनी स्टडी को स्मार्ट रखिए और रिलेवेंट सोर्सेज ही पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन रिलेवेंट सोर्सेज ही पढ़िए और उनको बार बार पढ़िए। तो बिगिन करते हैं, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा इस रिलेटेड। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी एटीट्यूड मेश, ये हमारी स्टडी एटीट्यूड फैमिली है। आजकल युवा पीढ़ी नशे की तरफ जो है ज्यादा जा रही है, तो नशे से बेहतर अगर आप स्टडी को अपनी एडिक्शन बनाए तो आई एम श्योर कि आप जो है अपनी जिंदगी में काफी बड़े बड़े मुकाम जो है हासिल करेंगे और अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। तो इस लेक्चर सीरीज में बिल्कुल नोट्स की तरह आपके लिए जो है सब चीजें लेके आऊंगा। सबसे पहले कुछ एक डेफिनेशन है, हर्बीवोर्स की डेफिनेशन सबसे पहले हम देखेंगे। ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स को खाते हैं उनको जो हम हर्बीवोर बोलते हैं। जैसे हमारे पास डियर, शिप, गोट, काउ, ये हर्बीवोर्स होते हैं। एनिमल्स जो कि अदर एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं, वो कार्निवोर्स होते हैं, जैसे टाइगर, लॉयन एक्सेट्रा। और ऐसे एनिमल्स जो कि बोथ प्लांट्स और एनिमल्स प्रोडक्ट को खाते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, वो ओमनीवोर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट ऑफ फूड जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है उनको न्यूट्रिएंट्स बोल देते हैं। और मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हमारे खाने में होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड में जो कुछ एक डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं जिनको हम रफेज बोल देते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना। रफेज जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वाइटर होते हैं, ये जो है फास्ट डाइजेशन ऑफ फूड के लिए जो नेसेसरी होते हैं। सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तो ये भी आपको बताना चाहिए, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मैज, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, व्हीट, राइस और बाजरा, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारी बॉडी को जो एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, और फैट्स भी हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, और फैट्स जो हमारी बॉडी को जो है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स से ज्यादा जो है एनर्जी देते हैं। और फैट्स के कुछ एक सोर्स की हम बात करें तो प्लांट सोर्सेज जो हमारे फैट्स के होते हैं, जनरली जो भी ऑयली प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ग्राउंड, ये जो है फैट्स के सोर्स हैं। और अगर एनिमल सोर्सेज की बात करें तो बटर, क्रीम, मिल्क, घी, मीट, फिश, ये जो हमारे जो है सोर्सेज ऑफ फैट रहते हैं, एग। नेक्स्ट देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, तो इस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी पहले भी पूछ चुकी है। तो विटामिन ए के सोर्स जो हमारे रहते हैं वो रहते हैं मिल्क, फिश ऑयल, पपाया, कैरेट, मैंगो। तो आपसे क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, और उसमें कुछ एक सोर्सेज विटामिन सी या विटामिन डी या विटामिन बी के डाले गए होंगे। तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि विटामिन ए के सोर्स में हमारे मिल्क, फिश ऑयल, पपाया, कैरेट और मैंगो होते हैं। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी, तो विटामिन बी के सोर्सेज हमारे पास लीवर, राइस एंड व्हीट। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, तो जितने भी हम खट्टे जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं वो विटामिन सी के सोर्स होते हैं, जैसे आंवला, लेमन, नींबू जो हो गया, चिली जो मिर्च जो होती है, ग्रीन चिली, गवावा जो अमरूद हम खाते हैं, टोमेटो और ऑरेंज। और सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, तो लीवर जो होता है जानवरों का, वो जैसे गोट वगैरह का हम लीवर खाते हैं, फिर एग, फिश एंड मिल्क, ये जो विटामिन डी का के जो है सोर्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, तो प्लांट सोर्सेज में प्रोटीन्स के कौन कौन से सोर्स होते हैं, ग्रैम हो गया, मूंग, तूर दाल, बीन्स, पीज एंड सोयाबीन्स। और एनिमल सोर्सेज में जो प्रोटीन्स के सोर्स हैं वो मीट, फिश, पनीर, एग्स।
फ्रेंड्स, ये चीजें अभी देखने में आपको बहुत आसान लगती हैं, लेकिन जब ये एग्जामिनेशन में आती है तो ऐसे बहुत से इजी क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं, तो इनको आपने सीरियसली लेना है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल सही ढंग से आप सुनिएगा। जो विटामिन ए है, विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम होता है इट इज रेटिनॉल, और इसके जो सोर्स हैं वो फिश, लीवर ऑयल, कैरेट्स, बटर एंड मिल्क, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। और इसकी डेफिशिएंसी से जो हमें कौन कौन सी बीमारी होती है, कौन कौन से डिजीज होते हैं, इसमें जीरोप्थैलेमिया, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, तो ये भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है। अभी जीरोप्थैलेमिया जो है हमें विटामिन ए की कमी से कारण होता है, नाइट ब्लाइंडनेस भी हमें विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। विटामिन बी वन का जो साइंटिफिक नेम इज थायमिन, और विटामिन डी वन के जो सोर्स हैं वो हमारे पास ईस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, क्रियोसिस जो हमारे अनाज होते हैं। और विटामिन बी वन की कमी के कारण हमें होता है बेरी बेरी। बेरी बेरी में क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट और ट्राइडेड ग्रोथ, हमारी ग्रोथ जो है रुक सी जाती है। और विटामिन बी टू का साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन, और ये हमें मिल्क, एग व्हाइट, लीवर, किडनी से मिलती है। और इसकी कमी के कारण, विटामिन बी टू की कमी के कारण होता है हमें चियोलोसिस, फिशनिंग एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन जो है हमें विटामिन बी टू की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन बी सिक्स, इसका साइंटिफिक नेम है पायरोडॉक्सिन, और ये जो है ईस्ट, मिल्क, एग, योल्क, किडनी और नाम से मिलती है। और इसकी कमी के कारण हमें जो है कॉन्वुल्सन्स की जो है बीमारी होती है। विटामिन बी ट्वेल्व हमें मीट, फिश, एग और कर्ड से मिलती है, और इसकी कमी के कारण जो है हमें एनीमिया होता है, प्रीकेनेसिस एनीमिया जो हमें विटामिन बी वन की कमी के कारण होता है, आरबीसी जो डेफिशिएंट हो जाता है हमारे हीमोग्लोबिन के लिए। और विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, ये काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है इसका साइंटिफिक नेम भी, और ये जनरली सिट्रस फ्रूट से मिलता है, जो कि मैंने पीछे डिस्कस किया था, लेमन, आंवला, गुवावा एक्सेट्रा। और इसकी कमी के कारण हमें स्कर्बी हो जाती है, ब्लीडिंग गम्स, हमारे जो दांत में जो गम्स जो हमारे होते हैं, वो जो मसूड़े हमारे होते हैं, वो जो है इसमें ब्लीडिंग करना शुरू कर देते हैं। विटामिन बी, विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम है इज कैल्सीफिरॉल, वेरी इंपॉर्टेंट इज कैल्सीफिरॉल। कैल्सीफिरॉल जो है विटामिन डी का साइंटिफिक नेम होता है, ये साइंटिफिक नेम आप जरूर याद रख लें। और ये जो है हमें एक्सपोजर सनलाइट, सनलाइट में बैठने से जो हमारी स्किन जो है विटामिन डी प्रिपेयर करती है, फिश, एग, योल्क और मिल्क से मिलती है। और विटामिन डी की कमी के कारण हमें होता है रिकेटस, रिकेटस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, और इसमें जो है बोन डिफॉर्मिटीज हो जाती है चिल्ड्रन में, यानी कि जो हमारी हड्डियां उनकी जो है शेप बिगड़ जाती है। ऑस्टोमेलेसिया भी जो हमें विटामिन डी की कमी के कारण होता है, मतलब बोन्स जो हमारी कच्ची हो जाती है, और ज्वाइंट पेन्स जो है एडल्ट्स में जो होता है, ओके। और विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम इट इज टोकोफिरॉल, इट इज टोकोफिरॉल, और ये जो हमें वेजिटेबल ऑयल लाइक व्हीट, जर्म, सनफ्लावर ऑयल से मिलती है। और अगर इसकी अगर हमें डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है विटामिन ई की, तो हमें जो इंक्रीज्ड फ्लेगेबिलिटी ऑफ आरबीसी हो जाता है, और मस्कुलर वीकनेस जो हमें विटामिन ई की कमी कारण आती है। विटामिन के जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होती है, और जो है ब्लड क्लॉटिंग्स, जो हमारी जो ब्लड क्लॉटिंग्स का टाइम इंक्रीज हो जाता है, यानी कि मान लीजिए किसी बंदे को चोट लगती है और उसमें ब्लड क्लॉटिंग उसकी बॉडी में नहीं हो रही है, खून बह रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उसमें जो विटामिन के की कमी है। और विटामिन के का साइंटिफिक नेम है फाइटोमेनेडायोन, और विटामिन बी ट्वेल्व का साइंटिफिक नेम मैंने शायद आपको नहीं बताया, तो विटामिन बी ट्वेल्व का जो साइंटिफिक नेम है वह कोबेलामिन। और एक फॉलिक एसिड नाम करके जो है हम जो है जो दवाई है हमें स्कूलों में आजकल खिलाई जा रही है, आयरन की कमी के लिए जो खिलाई जा रही है फॉलिक एसिड, तो फॉलिक एसिड एक्चुअल में जो हमारी बी नाइन विटामिन होती है, ये विटामिन बी के ही आगे को फॉर्म्स है। एक और विटामिन होती है दैट इज बी सेवन, वो भी एनसीईआरटी की बुक में जो डिस्कस नहीं की गई है। विटामिन बी सेवन का जो साइंटिफिक नेम है इट इज बायोटिन, तो ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान में इन विटामिन के बारे में रखना है। आगामी लेक्चर में दोबारा कोशिश करूंगा इनको सही ढंग से कवर करने की। तो विटामिन बी सेवन का साइंटिफिक नेम है बायोटिन, और फॉलिक एसिड जो हमारी विटामिन नाइन होती है आयोडीन, आयोडीन की कमी के कारण जो हमें होता है गोइटर, जिसमें जो है ग्लैंड जो रहती है नेक वगैरह में वो स्वोलन, वो फुली हुई जो महसूस होती है, मेंटल डिसेबिलिटी चिल्ड्रन में से होती है। और आयरन, आयरन की कमी के कारण जो एनीमिया होता है, एनीमिया का मतलब होता है वीकनेस। बहुत ही इजी क्वेश्चन जो हमें इस पार्ट से आता है, एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, तो देखिए प्लांट्स के हम देखिए फ्लावर को खाते हैं, फ्रूट को खाते हैं, स्टेम को भी खाते हैं, लीफ को भी खाते हैं, फिर हम बड भी किसी प्लांट्स के खाते हैं, फिर हम जो है रूट्स भी बहुत से प्लांट्स की जो हम खाते हैं। तो रूट्स जो जर्नी हम जिन प्लांट्स की खाते हैं उनमें बीट्स, कैरेट्स, रेडिस, कैरेट जो होती है गाजर, रेडिस जो मूली हमारी, स्वीट पोटैटोज एंड टर्निप्स, टर्निप शलगम हो गया। और जिनकी हम स्टेम खाते हैं उनमें हमारे पास आता है कोलराबी, एपरेगस, गार्लिक जो धनिया जो होता है, लीक्स, फिर ऑनियन, ऑनियन जो प्याज हो गया, और जो अंडरग्राउंड स्टेम जो होती है पोटैटो, पोटैटो जो होता है उसके हम स्टेम खाते हैं, लेकिन स्वीट पोटैटो का आप ध्यान रखना उसके हम जड़ खाते हैं। तो ये आप जो ध्यान रखना, पोटैटो की हम स्टेम खाते हैं, ऑनियन की भी हम स्टेम खाते हैं,
ये जो डेली यूजेबल की चीजें होती हैं ये ज्यादा पूछी जाती हैं। टर्निप जो शलगम हो गया इसकी हम रूट खाते हैं, कैरेट जो गाजर है उसकी भी हम रूट खाते हैं, और रेडिश मूली होती है उसकी भी हम रूट खाते हैं, स्वीट पोटैटो की रूट आती है जड़ होती है, लीफ जिनकी हम खाते हैं उसमें आ जाएगा ब्रुसेलस स्प्राउट्स, कैबेज जो गोभी हमारी होती है, सेलेरी, लेट्यूस, रबैर एंड स्पिनेक जो पालक जो होता है। तो इन सब चीजों का आप गूगल सर्च एक बार कर लें और इन सभी सब्जियों का आप जरूर देखें, आपको काफी मजा आएगा। फ्रूट्स में जैसे कुकुम्बर जो हम जो खीरा जो हमारा होता है कुकुम्बर वो फ्रूट्स की कैटेगरी में आता है। एग प्लांट जैसे हमारा ब्रिंजल हो गया, जो हमारा जो है बैंगन जो होता है, फिर ओकरा, स्वीट कॉर्न, स्क्वैश, पेपर, जो हमारी मिर्च जो होती है वो भी फ्रूट होती है, और टोमेटो भी जो फ्रूट की श्रेणी में आता है। और सीड हम जिनके खाते हैं उनमें जितनी भी हमारी दालें होती हैं जैसे पीस, बीन्स, लेगमस जो भी दालें होती है उन सब की हम जो है सीड खाते हैं। दैट्स एंड ऑफ वीडियो फ्रेंड्स, तो ये लेक्चर कंटिन्यू रहेगा और कंप्लीट एनालिसिस हम 6 to +2 साइंस जो है नोट्स के रूप में आप तक लेके आऊंगा। प्रीलिम्स में आपको इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे वो आप इजिली सॉल्व करेंगे। आप मेरे चैनल को जो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, वीडियोज को शेयर करते रहिए, वी राइज बाई लिफ्टिंग अदर्स, और हमें एक दूसरे की हेल्प जो है करनी चाहिए। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।